नमस्कार दोस्तों, आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे धर्म ध्वज का लोकार्पण हो गया। ये जगह है डालीगंज में लेटे हुए हनुमान मंदिर की। कुछ दिनों पहले इसमें जीर्णोद्धार किया गया, जब तो इसमें कुछ ईंटें 1890 के आसपास की निकली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये 150 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी जगह हो सकती है। बहरहाल अहिमर्दन पातालपुरी हनुमान सेवा ट्रस्ट इस मंदिर की देखरेख कर रहा है और आज इसमें 108 फुट ऊंचे धर्मध्वज का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने किया। उनके साथ में कई पूर्व मंत्री, कई विधायक यहां मौजूद थे और मौजूद थे श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य, स्वामी राघवाजीचार्य महाराज अयोध्या से आए थे। इन सब की उपस्थिति में आज ये धर्मध्वज का लोकार्पण हो गया और 108 फुट इसकी ऊंचाई है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है इसकी और लगभग आधे लखनऊ में ये नजर आएगा। सनातन धर्म की जय जयकार, हिंदू धर्म की जय जयकार, जय श्री राम के नारों के बीच में आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका लोकार्पण किया। दो शिलालेख भी यहां पर, दो शिलापट भी लगाए गए हैं। एक में मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा गया है और एक में 108 फुट ऊंचे धर्मध्वज के बारे में लिखा गया है। दोस्तों यही नहीं, ट्रस्ट के द्वारा आज एक साल पूरा हो गया है अन्नपूर्णा भंडारे को लेकर के। पिछले 365 दिन में किसी भी दिन नागा नहीं हुआ है और लगातार दोपहर में गरीबों को, ऐसे निराश्रित व्यक्तियों को भोजन करवाया जाता है जिनको वास्तव में उसकी ज़रूरत है। तो आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और कार्यक्रम आयोजित हुआ, क्योंकि 108 फुट ऊंची धर्मध्वजा प्रदेश में कहीं भी नहीं है और ब्रजेश पाठक जी ने आज इसका लोकार्पण कर दिया। तो कभी भी मौका लगे तो जाइए, देख के आइए। टीले वाली मस्जिद के ठीक सामने है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। मैं अजय मेहरोत्रा हूँ, यहाँ का ट्रस्ट में हूँ। श्री अहिमर्दन पातालपुरी सेवा ट्रस्ट है, ये पातालपुरी मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के नाम से आता है और ये बहुत पुराना, बहुत प्राचीन मंदिर है, क्योंकि जब यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार पिछले विगत एक साल से हो रहा है तो उसमें सन 1890 की भी ईंटें मिली थी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जो इतिहास है वो करीब 150 साल पुराना है और आज इस जगह पर 108 फीट ऊंची धर्मध्वज का लोकार्पण किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय पाठक जी द्वारा और जब गुरु रामानुजाचार्य अयोध्या से महंत जी आए थे, उन्होंने इसका लोकार्पण यहां पर किया गया। ये धर्मध्वज 108 फीट प्रदेश की पहली धर्मध्वज है जो यहां पर लगाई जा रही है, ये पंचवटी घाट पे। अन्नपूर्णा भंडारा भी चल रहा है जी, यहाँ पर अन्नपूर्णा सेवा जो है विगत एक वर्ष से चलती आ रही है, आज उसके भी 365 दिन पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ पे 365 दिन से 200 से 250 लोगों को भोजन कराया जा रहा है निशुल्क। 12 बजे से जो निशुल्क भोजन व्यवस्था स्टार्ट की जाती है, शुरुआत होती है उसकी, तो 200 से 250 लोग क्रमबद्ध होते हुए और उस भोजन का स्वाद ग्रहण करते हैं। चावल दाल है, कभी चावल कढ़ी है, कभी चावल छोले, कभी पूरी सब्जी है, उसका स्वाद लिया जाता है।